हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। इक्लिप्स का मतलब हिंदी में होता है ग्रहण। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इक्लिप्स। सो यू कैन सी दैट द इक्लिप्स टेक प्लेस व्हेन वन हेवनली बॉडी सच एज मून और प्लेनेट मूव्स इनटू द शैडो ऑफ अनदर हेवनली बॉडी। तो ये जो डेफिनेशन है ये ब्रॉडर टर्म्स में है, ये केवल सन मून और अर्थ से ही रिलेटेड नहीं है। इसमें आप कह सकते हैं कि अगर मरकरी के ऊपर भी लगे ग्रहण तो उस ये डेफिनेशन उस कंटेक्स्ट में भी मैच कर रहा है। तो आइए हम लोग अर्थ के कंटेक्स्ट में देखें। अर्थ पे बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्स। पहला जो इक्लिप्स ऑफ द सन है और दूसरा जो इक्लिप्स ऑफ द मून आर लूनार इक्लिप्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि कौन से कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि अब सूर्य ग्रहण या सन इक्लिप्स होने वाला है, और किस कंडीशन में कहेंगे कि अब लूनार इक्लिप्स होने का कंडीशन है। तो ये बेसिकली अर्थ, सन और मून के पोजीशन से गाइड होता है कि वो कब लीनियर फॉर्म में आ जाएंगे और कौन किसके बीच में रहेगा। तो आइए हम लोग डिटेल्स देखें और फिर ये देख कंपेरिजन भी एक देखेंगे कि किसको हम सन और लूनार इक्लिप्स में क्या कंपेरिजन है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो डेफिनेशन है, एन ओकेजन ऑफ व्हेन द सन डिसअपियर फ्रॉम व्यू इधर कंप्लीटली और पार्शली व्हाइल द मून इज मूविंग बिटवीन सन एंड अर्थ। तो जो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का डेफिनेशन है और इसका ये मीनिंग हुआ कि जब मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो बेसिकली सोलर इक्लिप्स का कंडीशन होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और ये कंडीशन न्यू मून के टाइम में होता है। न्यू मून को हिंदी में हम अमावस्या कहते हैं। हम लोग और डिटेल्स पढ़ेंगे कि न्यू मून के कंडीशन में ही सन इक्लिप्स क्यों होता है। इट कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ एट ए डे टाइम। आप लोग जानते हैं कि डे टाइम में ही हम लोग देख सकते हैं, चूँकि नाइट में हमें सन दिखता नहीं है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। ये टोटल है, पार्शियल है, एनुलर है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि लूनार इक्लिप्स का क्या डेफिनेशन है। व्हेन द मून बिकम डार्कर व्हाइल द शैडो ऑफ अर्थ मूव्स ओवर इट। सो इसमें क्या होता है कि ये सन है और ये अर्थ है, तो सन और अर्थ और यहाँ पे मून आ जाता है, ये मून है। तो मून के ऊपर रोशनी नहीं आती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण हो गया। सूर्य ग्रहण के कंडीशन में क्या होता है कि ये सन है, ये अर्थ है और बीच में मून आ जाता है, जिसके चलते अर्थ के इस पार्ट पे रोशनी नहीं आती है और सन का जो ये पार्ट है वो चंद्रमा की छाया पड़ जाता है, जिसके चलते यहाँ रोशनी नहीं आती और हम लोग कहते हैं कि ये सूर्य ग्रहण की कंडीशन है। तो ये जो लूनार इक्लिप्स है उसे हम बेसिकली रात के टाइम में देखते हैं, कि चूँकि चांद हमें रात में ही दिखता है, दिन में इतनी रोशनी रहती है कि हम लोग चांद को नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम इसे रात में ही देखते हैं। और जो लूनार इक्लिप्स है उसके दो प्रकार हैं, एक टोटल लूनार इक्लिप्स है और दूसरा है जो पार्शियल लूनार इक्लिप्स है। तो हम लोग और इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। ये पिक्चर है, ये पिक्चर आप यहाँ कंपेरिजन देख सकते हैं कि सोलार इक्लिप्स के कंडीशन में क्या है। ये आपका सन है और बीच में मून आ गया है, और ये अर्थ है और अर्थ के इस पार्ट पे डार्क दिखेगा, चूँकि यहाँ रोशनी नहीं आ रही है। और ये जो जितना साइज का मून है उतना साइज यहाँ पे ढक जाएगा, अर्थ से देखने पे ऐसा लगेगा कि ढक गया है, जिसके चलते ये सोलर इक्लिप्स का कंडीशन बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, चूँकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगा रहा है, राइट। तो यहाँ पे है जो मून और सन के बीच में अर्थ आ गई है, इसलिए मून के ऊपर छाया पड़ गया है। और आप जानते हैं कि जो मून है वो सन की लाइट से ही चमकता है, इसकी अपनी रोशनी नहीं है, चूँकि ये एक सेटेलाइट है, राइट। तो यहाँ पे पृथ्वी के बीच में आने के चलते ये रोशनी का शेडो छाया पड़ जाता है, जिसके चलते ये ब्राइट नहीं दिखता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग लूनार इक्लिप्स कहते हैं। और डिटेल्स हम लोग देखते हैं।
अब जैसे कि अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो लोनार इक्लिप्स होता है वो बेसिकली फुल मून के टाइम में होता है, और जो सोलार इक्लिप्स होता है वो न्यू मून के टाइम में होता है। तो ये क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स इससे देखते हैं। ये जो है इलिप्टिकल पाथ है, वो मून जो है वो सन का चक्कर लगा रहा है, और वो सर्कुलर पाथ नहीं इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल है इसी कारण से क्या है कि मून कभी अर्थ से नज़दीक रहता है और कभी ये दूर हो जाता है, राइट। और मून का हम लोग एक ही पार्ट देख पाते हैं। तो न्यू मून जिसको हम लोग हिंदी में अमावस्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि इधर से सन का रेज आ रहा है और जो इसका ब्राइट पार्ट है वो हमें नहीं दिखता है, जो कि हम लोग अर्थ पे यहाँ से इसका ये पार्ट देख पाते हैं ब्लैक। तो ये अमावस्या का टाइम है, और इसी टाइम में क्या होता है कि मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ गया है, इसीलिए ये सोलर इक्लिप्स का टाइम है सूर्य ग्रहण का। ये घूमते घूमते मून आप देखेंगे कि यहाँ फुल मून के कंडीशन में आ गया, मतलब इसका ब्राइटर पार्ट हम लोग यहाँ अर्थ से इसका ब्राइटर पार्ट देख पा रहे हैं, और जो सन और आप देख सकते हैं कि सन और मून के बीच अर्थ आ गया है, इसलिए मून के ऊपर छाया पड़ेगा और इसलिए एक लूनार इक्लिप्स का कंडीशन बनता है। और फिर से हम लोग इस पिक्चर को विजिट करेंगे, इससे पहले ये देख लेते हैं कि सोलर इक्लिप्स के कितने टाइप होते हैं। तो सोलर इक्लिप्स के बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं, एक टोटल सोलर इक्लिप्स है, ये कब होता है ये देख लेते हैं, फिर पार्शियल सोलर इक्लिप्स है और एनुलर है। ये इसके पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि ये पार्शियल का है, ये एनुलर का है, और ये टोटल का कंडीशन है, राइट। ये टोटल का कंडीशन मतलब जो सन है पूरी तरह से डार्क हो गया है, यहाँ रिंग ऑफ फायर का सिचुएशन है, चांद ने इतना ही घेर पाया है, और यहाँ पार्शियल का कंडीशन है। तो आइए हम लोग डिटेल्स डेफिनेशन देखते हैं। ए टोटल इक्लिप्स इज ओनली विजिबल फ्रॉम द स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ, द पीपल हु सी द टोटल इक्लिप्स आर इन द सेंटर ऑफ द मून शैडोज, ठीक है। जहाँ मून की छाया पड़ रही है वहीं पर अगर आप रहेंगे तो आपको दिखेगा, अर्थ के उसी पार्ट पर रहेंगे तो आपको दिखेगा कि टोटल सोलर इक्लिप्स है। तो इसका मतलब ये नहीं कि टोटल सोलर इक्लिप्स पूरे अर्थ से दिखेगा, नहीं, वहीं पे जहाँ पे आपको चंद्रमा की छाया पड़ रही है, राइट। द स्काई बिकम्स वेरी डार्क एज इफ इट वेयर नाइट, रात की स्थिति हो जाती है टोटल सोलर इक्लिप्स की कंडीशन में। फॉर ए टोटल इक्लिप्स टू टेक प्लेस द सन मून एंड अर्थ मस्ट बी इन ए डायरेक्ट लाइन। सो यहाँ पे ये कंडीशन है कि ये आपका सन है, राइट, ये सन है, ये मून है, और ये अर्थ है, ये एक लाइन में आ जाना चाहिए। द सेकेंड टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स है वो है पार्शियल इक्लिप्स, दिस हैपन व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर नॉट एग्जैक्टली लाइंड अप, एग्जैक्टली लाइंड अप नहीं होता है, हो सकता है कि मून थोड़ा ऊपर हो, राइट। द सन अपियर्स टू हैव ए डार्क शेडो ऑन ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सन, नॉट फुली, जैसा कि हम लोग पिक्चर में देखे हैं, आगे भी देखेंगे। द थर्ड टाइप इज एन एनुलर है सोलर इक्लिप्स, एंड एनुलर इक्लिप्स हैपन व्हेन द मून इज फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ, फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ, जैसे कि हम लोग मून का जो इलिप्टिकल पाथ है उसमें हम लोगों ने देखा था कि फार्देस्ट कंडीशन कब हो रहा है। फार्देस्ट कंडीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मून जो है वो अर्थ सबसे नज़दीक है, इस कंडीशन में जो एक न्यू मून का कंडीशन है और अर्थ से फार्देस्ट दूरी है, ज़्यादा है, इसके चलते क्या है मून छोटा होगा, और छोटा होने के चलते वो सन के छोटे पार्ट को ही कवर कर पाएगा, जिसके चलते पूरा टोटल जो सोलर इक्लिप्स है वो ना होकर छोटा सोलर इक्लिप्स होगा, और हो सकता है कि सन के आउटर पार्ट हमें यहाँ अर्थ से विजिबल हो। तो ये फार्देस्ट कंडीशन है, इसी कंडीशन में ये होता है। ये डिटेल्स और देखते हैं। द फार इट सीम्स स्मॉलर एंड इट डजेंट ब्लॉक द इंटायर व्यू ऑफ द सन, द मून इन फ्रंट ऑफ द सन लुक्स लाइक ए डार्क डिस्क ऑन टॉप ऑफ ए लार्ज सन कलर्ड डिस्क,
दिस क्रिएट्स वॉट लुक्स लाइक ए रिंग अराउंड द मून. सो यू कैन सी या रिंग अराउंड द सन. सो यू कैन सी कि दिस इज द कंडीशन ऑफ द दिस इज द कंडीशन ऑफ द एनुअल सोलार इक्लिप्स. वी ऑल्सो कॉल्ड इट रिंग ऑफ फायर. और आज जो है वो एनुलर सोलार इक्लिप्स है जिसमें हम लोग सन के आउटर भाग को ऐसे देख पाएंगे और चूँकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से फारदेश दूरी पे है वो पूरी तरह से ऐसा नहीं कवर करके इतना ही कवर किया है राइट. और इसी साल में 14 दिसंबर को टोटल सोलार इक्लिप्स भी होगा. अब आइए हम लोग लोनार इक्लिप्स के बारे में थोड़ा देखें. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोनार इक्लिप्स के कंडीशन में जो सन है और मून के बीच अर्थ आ जाते हैं. अर्थ के आने के चलते जो चंद्रमा है वो सन के ही लाइट से प्रकाशित होता है. आप जानते हैं ये एक सेटेलाइट है, इसका अपना रोशनी नहीं है. तो ये अर्थ का शैडो इसके ऊपर पड़ रहा है जिसके चलते ये डार्क दिखने लगता है और इस कंडीशन को हम लोग लूनार इक्लिप्स कहते हैं. तो सिंपल भाषा में ये हो गया है कि जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो लूनार इक्लिप्स कहते हैं. अब जब सन और अर्थ के बीच मून आ जाए तो हम उसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं. अब हम लोग लूनार इक्लिप्स के टाइप देखेंगे. ए टोटल लूनार इक्लिप्स अकर व्हेन द मून एंड द सन आर ऑन एग्जैक्ट अपोजिट साइड. आप देख सकते हैं और बीच में अर्थ है, एग्जैक्ट अपोजिट साइड. ऑल दो द मून इज इन शेडो इन अर्थ शेडो एंड सम सन लाइट रीच द मून. ठीक है, चूँकि सन का जो लाइट है वो पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है तो कुछ रिफ्लैक्ट होकर अर्थ के एटमोसफेयर से भी और यहाँ मून के ऊपर पड़ता है. और एक और कंडीशन है जो आप थोड़ा हम लोग और डिटेल्स आगे जानेंगे. द सन लाइट पासिस थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर विच कॉजेज अर्थ एटमोसफेयर टू फिल्टर आउट मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट. इसीलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है राइट. एंड दिस मेक्स द मून अपीयर रेड टू पीपल ऑन द अर्थ. और हमें जब इस कंडीशन में जब टोटल लूनार इक्लिप्स होता है तो हमें जो चांद है वो पूरी तरह से ब्लैक न दिख के रेड कलर का दिखने लगता है राइट. इसे हम लोग ब्लड मून भी कहते हैं. और यहाँ एक और आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि एम्बेरा एंड पैन एम्बेरा करके दो वर्ड लिखे हुए हैं. पैन एम्बेरा मीन्स ये कंडीशन है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये ब्लैक हो गया है राइट. तो अगर आप अर्थ के इस पार्ट पे हैं और यहाँ मून को देख रहे हैं राइट, इस मून को देख रहे हैं तो आपको ये पूरी तरह से डार्क दिखेगा. लेकिन अगर आप अर्थ के इस पार्ट में हैं और इस पार्ट में जिसके पैनम्ब्रा कहते हैं, यहाँ से आप मून को देखेंगे तो ये पूरी तरह से डार्क न देख के पार्शली दिखेगा. तो ये एक कंडीशन है. ये सन के इक्लिप्स के कंडीशन में भी होता है. आइए हम लोग को पार्शियल लूनार इक्लिप्स देखें. ए पार्शियल लूनार इक्लिप्स हैपन व्हेन ओनली ए पार्ट ऑफ द मून इंटर्स अर्थ शेडो. आप देख सकते हैं इसमें कि मून का ये कंडीशन, चूँकि मून ऐसे ऐसे मूव कर रहा है राइट, तो ये जो अपने इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है और ये अर्थ से थोड़ा सा एकदम सीध लाइन में नहीं होकर थोड़ा ऊपर है. इस कंडीशन में इन पार्शियल इक्लिप्स अर्थ शेडो अपीयर्स ए वेरी डार्क ऑन द साइड ऑफ द मून फेसिंग राइट. व्हाट पीपल सी फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग ए पार्शियल लूनार इक्लिप्स डिपेंड्स ऑन हाउ द सन अर्थ एंड मून आर लाइंड अप. तो आप ये देख रहे हैं कि एक लाइन में नहीं है, ऊपर है, इसलिए पार्शली ये दिखेगा और फुल्ली नहीं होगा. तो ये कंडीशंस है. और भी कुछ फैक्ट्स हैं लाइक ये लूनार इक्लिप्स यूजुअली लास्ट फॉर ए फ्यू आवर्स. एट लीस्ट टू पार्शियल लूनार इक्लिप्स हैपेंस एवरी ईयर बट टोटल लूनार इक्लिप्स आर रेयर. इट इज़ सेफ टू लुक एट द लूनार इक्लिप्स. सो थैंक यू वेरी मच. होपफुली इट इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर यू.